अमरूद खाएंगे मैडम? बाबा आएंगे तो बोलिए मंगवाएं। हटो मेरे रास्ते। फिर चले गए प्रिंसिपल के ऑफिस। मजा आया हमारी शिकायत करके? कहाँ मिला लड्डू या पेड़े? तरफ का अंदाज है आपका। पहले आप सवाल पूछती हैं, हम जवाब देते हैं, चिढ़ जाती हैं। फिर हम सवाल करते हैं, आपके वहां जवाब नहीं होता, वो भी चिढ़ जाती हैं। अरे अब शरीफ स्टूडेंट करे तो क्या करे, आपके दरबार में तो पूछना भी गलत है और बताना भी। तुम जो अपने आप को समझते हो ना, वो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल। तुम्हारी ये हीरोगिरी मेरी क्लास में नहीं चलेगी। लो फिर चिढ़ गई। अरे हम तो अपने आप को आजकल स्टूडेंट ही समझ रहे हैं, हीरो बनना तो भूल ही गए हैं। अब आप इसे हमारी भूल समझिए, समझदारी। अपने आप पे समझ का फर्क है। आज से हम आपको सुनने वाले, आप ही को देखने वाले, आप ही की बात मानने वाले हैं। आपके ऑबिडियंट स्टूडेंट सुविंदर सिंह। ठीक है, तुम मेरे स्टूडेंट हो ना, तो अब मैं पढ़ाऊंगी और तुम पढ़ोगे और कल से ही पढ़ोगे सबकी तरह, क्योंकि अब तुम्हारी एक भी बदतमीजी मैं माफ नहीं करूंगी। और अगर कोई बदतमीजी की तो बाकी सारे स्टूडेंट से भी ज्यादा सजा मिलेगी तुम्हें। अब मैं तुम्हें पता कर रहूंगी कि टीचर किससे कहते हैं और तुम्हारे जैसे बदतमीज को कैसे सुधारा जाता है। मैं तुम्हें सुधारूंगी, तुम ना सिर्फ पढ़ोगे बल्कि अपना व्यवहार भी बदलोगे। ये वादा किया मैंने प्रिंसिपल सर से, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। एक बात बताएं मैडम, आप टीचर नहीं दरोगा लग रही है। दरोगा? जो सिद्धार्थ से आप बोल रही है ना, सिनेमा की हीरोइन लग रही है। एक बार फिर बोलिए ना। कहीं तुम्हारा ये मजाक तुम्हें महंगा साबित ना हो जाए सुमिंदर सिंह। तो आप भी सुन लीजिए मैडम, सुमिंदर सिंह को धमकी सुनने की आदत नहीं है। आई एम टेलिंग दैट कि कल से आप भी देख लेना, क्लास में आप नहीं हम पढ़ाएंगे आपको, आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत देखे होंगे स्टूडेंट, लेकिन सुमिंदर सिंह जैसा नहीं। अच्छे से देख लीजिए, ओनली वन पीस इन द होल वर्ल्ड। अरे ये तो बहुत चिपक रहा है, ऐसे तो ये कटेगा नहीं। तेल होता तो चिपकता भी नहीं और आराम से कट भी जाता, पर तेल 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 तो है। बाबूजी का एक बेटा दिल्ली और एक भीगी बिल्ली। जो बेटा दिल्ली वो तो फल फूल रहा है ऐस मौज के साथ, और भीगी बिल्ली कुछ खाने पीने के लिए भी चोरी कर रहा है। हाय रे नसीब, हमने मर्द को कठपुतली बना के रख दिए हैं बाबूजी। थोड़ा इनको भी पढ़ा लिखा दिए होते तो आज कौनो ये भी छोटी मोटी नौकरी कर रहे होते और हमको रोज कटहल खाने को मिलता। दुनिया का सारा स्वाद ही भूल गए हैं हम ये घर में आके। अब देखना ये है कि अपने लाडले सुमिंदर बबुआ की शादी बाबूजी कहाँ करते हैं और उनकी बीवी पे शासन चला सकते हैं कि नहीं। भगवान जाने कि जब सुमिंदर बबुआ जी की दुल्हनिया आएगी तो उक्का रंग दिखाएगी, न जाने कौन होगी वो लड़की। मुझे यहाँ क्यों लाया मैं? तुमसे जरूरी बात करनी है। यहाँ कौन सी जरूरी बात करनी है? देखो सरोजनी, बुआ जी ने तुम्हारी और मेरी शादी को लेकर कई बार कहा है, तो मैं उनके जज्बातों की कदर करता हूँ और तुम्हें भी करना चाहिए, लेकिन तुमने आज तक कुछ कहा क्यों नहीं? पता नहीं इतनी जरूरी बात पर तुमने आज तक कुछ बोला ही नहीं। देखो मैं तुम्हारे मुंह से वो जवाब सुनना चाहता हूँ, तुम्हें बोलना होगा। तुम यही बात करने के लिए मुझे यहाँ पार्क में लेकर आए हो क्या? तुम इस बात को इतना छोटा समझ रही हो क्या? ये हमारी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है। देखो मैं
मैं आज जो कुछ भी हूँ मामा मामी की वजह से। उन्होंने मेरी जिंदगी को संभाला है और सवारा है, और आगे जाके मेरी जिंदगी का हर फैसला भी वही करेंगे। तो फिर तुम मुझे ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि उनका फैसला आ चुका है और तुम्हारे जवाब का मेरे को इंतजार है। मेरे जवाब का क्या मतलब? और अगर उन्होंने फैसला किया है तो ठीक, लेकिन मैं जॉब से पहले शादी नहीं करूंगी। अरे मेरी जॉब है ना, प्राइवेट ही सही, लेकिन मैं उतना कमा लेता हूँ जितना हम दोनों साथ में रह सके। तुम जॉब की चिंता छोड़ दो सरोजनी, तुम बस मुझसे शादी कर लो, फिर उसके बाद चाहे तुम जॉब के लिए सर्च करती रहना। देखो मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे तुम्हारा जॉब अभी के अभी वक्त चाहिए। देखो मैं, मुझे अब आगे कुछ भी नहीं सुना, मुझे अभी और इसी वक्त घर ले चल, नहीं तो मैं अकेली चली जाऊंगी। मामी की वजह से मैं तुम्हारे साथ आती जाती रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे कहीं भी लेकर आओगे और मेरे साथ कुछ भी बातें करने लगोगे। अरे कुछ भी बात का क्या मतलब होता है, ये हमारी जिंदगी का फैसला है। तुम अभी घर नहीं जा सकती, मुझे इसी वक्त तुम्हारा फैसला चाहिए। मुझे कोई फैसला नहीं लेना है मैं, अभी एक मुसीबत गई नहीं है और तुम दूसरी खड़ी कर रही हो। मैं घर जा रही हूँ, तुम्हें चलना हो तो चलो। जो मुसीबत तुम्हारे पीछे पड़ी उसका जिम्मेदार मैं हूँ क्या? सुमेंद्र तुम्हारी वजह से तुम्हारे पीछे पड़ा है और मुझे भुगतना पड़ रहा है उसकी गालियां सुनकर। सरोजनी, आपके पास 400, 600, 800 डाल कटने का है 850 रुपये। 850 ये तो अब खीरा टमाटर फ्री दिया है, ये कहाँ है देगा? खीरा टमाटर 250 रुपये का है, 250 रुपये में तो पूरा गांव को हम खिला दें खीरा टमाटर। ये इसको बुलाओ, हम केस करेंगे इसको, थाना है कोई लगा पास पास। अरे इधर आओ, कहाँ बुला रहे? जाओ ना, रिश्ते करा रहे हैं यहाँ पे। बेटा ये खाना नहीं खिला रहे, डकैती कर रहे हैं, डकैती है। हमसे इतना महंगा खाना हजम नहीं हो पाएगा, पूरा एक महीना तक हमारा पेट में और दिमाग में दर्द होगा। हमको पता होता है इतना महंगा भोजनालय है तो हम अंदर नहीं घुसते। ये भोजनालय नहीं है, फाइन डाइनिंग है, और काहे रो रो के खाने को और भी नमकीन बना रहे हैं यार। कल जा रहे हैं ना, पैक करा कर लेते जाइएगा, तो घर वालों को भी दिल्ली की डिश खिला दीजिए। ए सुमेंद्र, क्या बात कर रहे हो, इसका तो लोगों को महक भी नहीं लगना चाहिए। ए बेटा, जीव चटोरी हो जाएगा उनका। अरे बेटा, तुमको खिला रहे हैं क्योंकि तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा हक है। और शिकायत करते रहते हैं तुम्हारे बारे में लोग, लेकिन हम नहीं मानते, इसीलिए मुंह मांगी चीज खिला रहे हैं। ओ, मिली थी मास्टरनी आज दिन में, बहुत बोल रही थी उल्टा सीधा, तब चुप चुप करा दिए उसको। कहे कि हमको भरोसा है सुमेंद्र, तू ही हमारा नाम रोशन करेगा। करेगा ना? जरूर करेंगे। बाकी रही बात उस मास्टरनी की, उसको हम पे छोड़ दीजिए, हम तो बाल लेंगे उसको। कह रहे थे कि वो भास्कर भाई आज तक पनीर देखे नहीं है, अगर नजर मार लेते तो। भास्कर ठास्कर तुम्हारी अम्मा, हमारी अम्मा, बाबूजी, बहू, उनके लिए नहीं, भूल जाओ। एक काम करो, इसको बनवा दो, कल ट्रेन में जा रहे हैं ना हम, रास्ता में कुछ खाना चाहिए ना, यही खा लेंगे हम। अरे हमारे बाबूजी बासी खाना खाएंगे, पर जा रहे हैं ना ट्रेन में, खरीद के खा लीजिएगा, इसको हम गरीबों में बांट देंगे। हार्ट अटैक करवाएगा का? गरीबों में बांट देंगे? दलितर हो गया है दिमाग थोड़ा, और हमारा अनुशासन तोड़ेगा? फोकट में एक दाना हम नहीं दिए कबूतर को आज तक। उसको ए सूट बूट इधर आओ। सुनो, ये बबुआ खा लेगा तो इस सबको पैक कर दो बढ़िया से, ठीक है? तुलसी पत्ता डाल के बांध देना। हाँ, शादी से पहले हम कितना खुश थे कि इतने बड़े घर में शादी हो रही है, पर इससे गरीब घर भला और कहाँ होगा, जहाँ खाने के लिए भी चोरी करनी पड़ रही है। हे भगवान, खुलता काहे नहीं? बाप रे, कहीं कोई आ गया तो। जय दुर्गा माँ, सफल हो गए हम। अरे बाप, सारा जहां हमारी मुट्ठी में है आज तो।
जल्दी से सब सामान निकालूं, नहीं तो हमरे दुल्हा की अम्मा को पता चल गया तो आ जाएगी कहीं से। अरे रसोई में कौन है रे? सचमुच रसोई में कोई है कि हमारे ही कान बज रहे हैं? ऐ सपना, ऐ जरा देखो तो रसोई में कोई बिल्ली बिल्ली तो नहीं है? ऐ सपना, ऐ तुम हो क्या रसोई में? अरे अभी से रसोई में क्या कर रही है? अरे अभी से खाना बनवाएगी का? अरे कुछ जवाब का है नहीं दे रही? हे भगवान, हमें बाहर जाना पड़ेगा नहीं तो वो अंदर आ जाएंगे। कौनो बिल्ली बिल्ली नहीं ना, उक्का है ना, आज रसोई की साफ सफाई में लगे थे। हो गवा, ओहो, हमको तो एक काम याद आ गवा, का है कि आइए चलिए आपकी जुए निकाल दे। आजकल आप बहुत सर खुजाने लगी हैं, हैं? बहू के होते हुए सास सर खुजाए अच्छा नहीं लागत। हम कब सर खुजाए और तुम कब देख लिए? एक बार देखा थो तो बताए, आप ध्यान नहीं दिए होंगे। खुजली की तो खासियत ही यही है कि ठीक जगह पे हाथ अपने आप चला जाता है और याद भी नहीं रहता। आइए चलिए बैठिए। कहते हैं सर खुजाना बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। अब ऐसे भी अपशगुन ही ना है, वो तो कभी कभी सर खुजाए देते हैं। बाकी तुम्हारा इतना मन कर रहा है तो लो देख लो जुए। वैसे आज सूरज किधर से निकला है? इतनी मेहरबानी तो कब होना की तुम? मायरी, धीरे। कारी निर्झरिया, आज तो तुम्हारी बहुरिया बहुओं वाला काम कर रही है। अरे तनिक एक नजर इधर भी घुमाई लो, हम तो तुम्हारी सास की भी सास है, जरा हमारी सेवा भी कर लिया करो। भई आज तो हमरे घुटने में बहुत ही दर्द है, जरा हमरा भी घुटना दबाए दो, थोड़ा पुण्य कमाए लो। हाँ हाँ, काहे नहीं, बहुत धन्य भाग्य हमरे जो अपनी ददिया सास की सेवा करे। घबराइए नहीं, पहले हम सासू माँ को निपटा ही देते हैं और कल परसों में आपका भी काम कर ही देंगे। ऐसे सुंदर से पैर सर दबा देंगे कि कुछ वक्त के लिए चौकड़ी भरने लगेंगे आप। हाँ, चौकड़ी भरने लगेंगी, न जाने वो दिन कब आएगा। लगता है आज भी घुटने में तेल खुद ही मलना पड़ेगा। फंस गए हैं तो करना ही पड़ेगा, ये कटहल कोरमा जब ना करा दे। अरे धीरे धीरे धीरे, अरे का हमारी खुपड़ियों में छेद करेगी का? इतना जोश का है आ रहा है, बात का है आज? मयंक, तेरा चेहरा इतना क्यों लटका हुआ है? हाँ, फिर से कोई बात हुई है? मुझे तो लग रहा है बुआ जी,
सरोजनी के पीछे मैंने जितना पेट्रोल फूंका है ना, वो सब पानी में चला जाएगा। मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा बुआ जी। हुआ क्या है? आप तो देख ही रही है ना बुआ जी, सरोजनी को अभी जॉब नहीं मिली है, लेकिन उसकी बोली चेंज हो गई। अब आप ही सोचिए, जिस दिन सरोजनी को जॉब मिल जाएगी ना, वो सीधे सीधे मुंह पे आके कह देगी मुझे ये शादी नहीं करनी। बुआ जी कुछ करो आप, जीती जाती सारी लॉटरी मेरे हाथ से निकल जाएगी। तू घबरा मत, तेरी बुआ ना कच्ची खिलाड़ी नहीं है, ठीक करके रख दूंगी उसको। उसको ठीक करने से कुछ नहीं होगा बुआ जी, वो अपने मामा की शय में सब कर रही है। आपको पापा जी को अपने ग्रिप में लेना पड़ेगा, वरना हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, अपने मामा के दम पे ही कूद रही है। पहले तो इसके मामा को ही रस्ते पे लाना पड़ेगा। अरे अरे अरे, मार डालेगी का, हट दूर हट। चूहे निकाल रही है कि पिछले जन्म का बदला ले रही है, दूर हट। अरे अम्मा क्या करे, इतनी बड़ी बड़ी जुए हैं कि जोर से नहीं निकालेंगे तो ऐसे खून पीती रहेंगे आपका। बिल्कुल हट जा है? हमको इन जुएं के पीछे अपनी जान नहीं देनी है। और एक बात तू बता है? आज काहे इतनी हमारी सेवा कर रही है? हमका समझ में नहीं आ रहा है कि बात का है। चल हट, अब हमको रसोई में काम करना है। अरे अम्मा रहने दीजिए ना, आज हम अकेले ही खाना बना लेंगे, आप आराम कीजिए ना, जैसे ही तैयार हो जाएगा हम आपको बुला लेंगे। है ताकि तुम हमें इतना सुनाओ कि मेरे पेट का पानी भी ना पचे। चलो हटो, हम अपना काम खुद ही करेंगे, हट जाओ। अम्मा जी सुनिए तो, आज हमको अपना सास बहू वाला प्यार आ रहा है, आप रहने दीजिए, हम बना लेंगे। अम्मा जी सुनिए तो। बात ना मानने का नतीजा तो बाकी हम फिसले कैसे है? ये तो घी की महक है। अरे ये घर में आंख में डाले भर के तो घी मिलता नहीं, फिसलने के लिए घी कहां से आ गया है? दीवाला निकल गया है। चुप रहिए। अरे ताला निकल गया है, डकैत। ताला निकल गया है। ये सब हम किए हैं। अरे उनको पता चल गया तो जान ले लेंगे तुम्हारी। कोई जान नहीं जाएगी, बल्कि जिंदगी का स्वाद आ जाएगा। जब तक बाबूजी यहाँ नहीं है, कम से कम तब तक तो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी ले। कुछ अच्छा बना के खा पी लेंगे आज रात को। आज हमने कटहल का कोरमा और मालपुआ बनाने की तैयारी की है। बनाएंगे ना तो आप भी मजा चख लीजिएगा उसका। मालपुआ? नहीं, घबराइए मत, हम है ना, कौनों को पता नहीं चलेगा। हम ना ताला वैसे के वैसे ही लगा देंगे, बाबूजी को शक भी नहीं होगा। इसी बहाने आपको कटहल का कोरमा और मालपुआ खाने को मिलेगा। जैसे ही दादी जी सो जाएंगी ना, हम पकवान बनाना शुरू कर देंगे। आखिर बाबूजी भी तो वहाँ एक से एक चीज उड़ा रहे होंगे, तो हम यहाँ कोने गम से नून साग खाएं, है कि ना? हम भी खाएंगे, मजा ले लेके खाएंगे। आप बस ये समझ लीजिए कि आज हमारे कमरा में मालपुआ और कटहल के कोरमा की पार्टी है। ऐसे तो मालपुआ खाए जमाना बीत गया, पर तुम मैंने अपना सारा सामान निकाल लिया है, तो जल्दी से ताला लगा दो, इना हमसे देखते नहीं बन रहा है।
लगता है ताला चाबी से ही बंद होएगा।